यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को शाजापुर जिले के शुजालपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय इतिहास पढ़ते थे कि अकबर महान है, यूपी को श्री कृष्ण प्रभु राम भगवान शिव का आशीर्वाद है, माँ गंगा और यमुना का संगम भी यूपी में है, हम सौभाग्यशाली बदलते भारत को देख पा रहे हैं। आज का भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता, आज का भारत संकट में दुनिया के लिए आशा है, आज हम नए भारत का दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है। बाबा विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम और मां गंगा और मां यमुना का पावन प्रदेश है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश तो बदल चुका है, अब देश भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के लिए कुछ नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक कई सौ वर्षों में नहीं हो पाए, दशकों से नहीं हो पाए कार्यो को मूर्त रूप होते हुए हम देख रहे हैं। ये मूर्त रूप विकास के कार्य हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो, रियासत का सम्मान हो या आस्था के, हमारे पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ चल रहे हैं। क्या कोई सोचता था, क्या कोई ये सोचता था कि केदारपुरी फिर से स्थापित हो पाएगी? क्या सोमनाथ का मंदिर आजादी के बाद भारत की सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का एक बड़ा अभियान था, उसे भव्य स्वरूप दे पाओ, इस भव्यता और दिव्यता के साथ फिर से अपनी आभा बिखेरेगा।